हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बेनीपुरी के नए ब्लॉग में। हम लोग छत्तीसगढ़ में कुछ अलग तरीके से इंट्रो करते हैं। जय जोहार संगवारी हो, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग, आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो आज मैं महुआ बीनने आया हूँ। आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे जो है महुआ बीन रहे हैं, और मैं महुआ के पेड़ के नीचे जो है अभी बैठा हुआ हूँ। और बहुत और क्या है, महुआ भी लगातार गिर ही रहा है। अभी दो दिन पहले हमने इसकी सफाई करी है। इससे पहले के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि अभी जो है फूल आ रहा था महुआ पेड़ में, तो अभी गिरना शुरू हो गया है। तो बिनना हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं, तो उसी का आज आपको ब्लॉग देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये जो महुआ है ना छत्तीसगढ़ के अंदर, वैसे आप लोग के इधर भी होगा अगर आप दूसरे राज्य के हैं, तो ये महुआ जो है ये शहरों में जो है सोने के भाव बिकता है, यानी कि इसकी कीमत जो है ना बहुत ज़्यादा है शहरों में। वैसे गांव में भी अभी पुरानी जो महुआ है वो 70+ जो है केजी चल रहा है, और बाहर में तो इसकी कीमत 100 से भी ऊपर हो गया होगा। और खुशी की बात तो यह है कि अभी छत्तीसगढ़ में जो है यूके के कुछ इन्वेस्टर, कुछ बिजनेसमैन जो है छत्तीसगढ़ सरकार से जो है अभी कांटेक्ट किए हैं कि अभी उनको 850 क्विंटल की मांग जो है छत्तीसगढ़ से किया गया है महुआ खरीदी के लिए। तो इसकी कीमत जो है और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है, और छत्तीसगढ़ के लोगों को, किसानों को जिनकी महुआ है उनको जो है फ़ायदा होने वाला है। तो साहब आज बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि हमारी माता जी जो है हमको महुआ बीनने के लिए बोल रही है, और उधर मेरी धर्म पत्नी जो है अभी महुआ बीन रही है, तो अभी मेरे को ही बीनने के लिए बोल रहे हैं। मैं तो वीडियो बनाने में लगा हुआ हूँ, जल्दी बीनना है। धूप पड़ रहा है, अभी 7 बज चुके हैं सुबह के, और जल्दी से हमको 9-10 से पहले जो है महुआ इसे बीन लेना है 10 से पहले, क्योंकि उसके बाद जो है धूप बहुत ज़्यादा लगता है। पता नहीं मार्च में मई जून वाली गर्मी इतनी ज़्यादा क्यों जो है लग रही है। तो फटाफट से महुआ बीन लेते हैं अभी, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। चल भाग चले कहीं आ, जहां रात कटे वहीं आ, एक साथ। तो हमने अभी महुआ वगैरह बीन लिया है, कंप्लीट कर लिया है। सारे महुआ जो है गिरे हुए थे जो हमने अच्छे से बीन लिए, खत्म कर लिए हैं। अब सेम चीज हमको कल फिर करना पड़ेगा, फिर हमको बीनना पड़ेगा। अभी 10 बज चुके हैं, धूप काफ़ी धूप तक हमने बीना है। बड़ा ही बोरिंग काम है यार कसम से। तो अभी थोड़ा बहुत जो बचा है उसको रोशनी बीन रही है। तो अब मैं जा रहा हूँ घर, और अभी खाना भी नहीं बना होगा, क्योंकि अम्मा जो है अभी बहन के घर गई हुई है, और हम लोग का सिलेंडर भी ख़त्म हो गया, तो रिफ्यूज कराने भी जाना है। तो चलिए चलते हैं, घर और देखते हैं क्या व्यवस्था है वहाँ का। और ये है पलक, क्या कर रही है पलक है? इधर खाना वाना बन रहा है। ये आज लौकी की सब्जी हम लोगों ने काटा है, लौकी की सब्जी खाने के लिए। तो अभी जो है शाम के 7 बज गए हैं, और क्योंकि आज महुआ बीनने के बाद जो है दूसरा कुछ काम आ गया था, तो मैं दूसरा काम करने लग गया था, कुछ इम्पोर्टेंट काम था, तो जिसको मैं आपको नहीं बता पाया। तो क्या है कि मैं गैस रिफिल नहीं करा पाया, तो मैं गैस जो है कल रिफिल कराऊंगा। तो आज खाना चूल्हे से ही बनाया जा रहा है। अभी लकड़ी की प्रॉब्लम है, लकड़ी भी नहीं मिल पाता, इसलिए गैस बनाना अनिवार्य है। तो कल हम लोग गैस बनाएंगे। तो फिलहाल अभी शाम हो गया है, और मैं अभी ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। आज मैं अंडे की सब्जी लेके आया, तो अंडे की सब्जी बन रही है। तो उधर मेरी पत्नी लोग अभी अंडे सब्जी बना रहे हैं, तो चलिए देखते हैं।
खाके और सो जाना है, फिर मिलेंगे आपसे कल। कल जाऊंगा मरवाही गैस रिफिल कराने के लिए, होपफुली कल का ब्लॉग और भी अच्छा हो सकता है। तो रात में कुछ ऐसा दिखता है मेरा घर, वहाँ पे हम लोग गाड़ी खड़ी करते हैं और एक बल्ब लगाते हैं वहाँ पे, और ये पूरा आंगन, इधर भैया लोग रहते हैं और इधर जो है मेरा किचन है और जहाँ सब्जी वगैरह बनता है, और यहाँ पे जो है अभी अंडे की सब्जी बन रही है, अभी अंडा चला जा रहा है और अंडे की सब्जी खाने वाले हैं। और ये गैस यहाँ पे पड़ी है जिसको अभी रिफिल नहीं कर पाए, कल जाएंगे रिफिल करने के लिए, तब फिर गैस जो है बनेगी। और इधर कुछ टमाटर और ये भिंडी वगैरह रखा हुआ है, भिंडी सूख गया है पूरा, दो तीन दिन का भिंडी होगा। तो गाइज मैंने खाना वाना जो है खा लिया है, अभी रात के 8 बज चुके हैं और मैं सारा कुछ आपको नहीं दिखा सकता कि यार कुछ तो प्राइवेट रहने दो। तो अभी क्या है, अभी मैं जा रहा हूँ इस ब्लॉग की एडिटिंग करने के लिए। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब, यू नो व्हाट टू डू, एंड मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।